मौका बन सकता था एक बार फिर से, लेकिन थर्ड मैन पर कोई मौजूद नहीं, अपूर्व लाखिया नहीं पहुंच पाएंगे, चार रन मिलेंगे। वेलकम बाउंड्री है, पंजाब दे शेर 6/1 पहले ओवर के बाद। बढ़िया गेंद और लेग बाइस के यहां पर रन मिल सकते हैं पूरे चार, सब कुछ उनके हित में जाता हुआ। बेहतरीन संपर्क वहां बल्ले का गेंद से और उसका असर इनके चेहरे पर भी, वो मुस्कान। इस बार स्टेप आउट किया, उठाकर खेल दिया है एक बार निंजा ने, एक और चौका आता हुआ उनके बल्ले से। और तीन लगातार बड़े शॉट्स, तीन चौके, क्या बात है। टीम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कंपैरेटिवली हम बिना इतनी प्रैक्टिस के चौका लगाया मैं यहीं खड़ा रहता हूं, ठीक है, अच्छा ही हो रहा है आज तो। वाइटल रोल, स्पिन ट्विन करके गेम पलटा था मुंबई हीरोज के लिए, और ये फ्लिक कर दिया है पीछे स्क्वायर लेग पे, चार रन के लिए। शॉट है जी, पर विकेट का मौका बन सकता था, चार रन मिलेंगे। अंडर लाइट्स उस बॉल की फ्लाइट को जज करना मुश्किल बना, अनुज को वो पेस नहीं मिलता जो कि अब मिल रहा है, कट कर दिया है ओवर पॉइंट, चार रनों के लिए, यही पेस उनको चाहिए था। अनुज कह रहे हैं कोई बात नहीं, विकेट दूसरे छोर पे गिरा, पर स्ट्राइक मुझे वापस क्यों दी थी, इस वजह से। शांत एक छोर से गेंदबाजी करते हैं, शब्बीर दूसरे छोर से, ओह तेज डालेंगे तो तेज निकलेगी बॉल बल्ले से, करारा सिक्स है ये अनुज, ये मैक्सिमम है। आड़े बल्ले से गेंद को भेजा बाउंड्री के बाद, 76/5, और ये उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से छक्का। अभिलाष भी शब्बीर जैसे आए और गए, उसका एहसास उन्हें होगा। और ये फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ से, चार रन, पूरा एडवांटेज नहीं ले पाए उसका, और ये फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की तरफ, चार रनों के लिए। अच्छा कॉन्फिडेंट शॉट, पहली ही बॉल में कट किया और चार रन मिल जाएंगे शरद केलकर को, खूबसूरत ये शॉट। और ये कट कर दिया है छोटी गेंद, चार रनों के लिए। It's got them dancing, it's got the Mumbai Heroes dancing. काउंटर अटैक के इरादे से आए हैं शरद केलकर, फिर से वही शॉट और एक और बार गैप में शरद केलकर की ओर से तीन बाउंड्रीज आए इस ओवर में, दो ओवर के बाद 26/1 मुंबई हीरोज। क्या पंजाब द शेर के लिए एक और गुड न्यूज लेकर आएंगी पॉपी विकेट लेकर, ओ बेहतरीन शॉट, इस बार कैच का मौका मिस हुआ, चार रन मिलेंगे शरद को 5 ओवर के बाद, 49/3 मुंबई। अंदरूनी किनारा फाइन लेग ऊपर है, चार रन मिलेंगे, यानी कि ये ओवर 12 रन का ओवर बन गया है, 86/4 8 ओवर के बाद। एक और करारा प्रहार और एक बार फिर मिलेंगे चार, जबरदस्त बैटिंग हो रही है, और सिद्धांत जब से उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया तब से बिल्कुल बेखौफ बैटिंग कर रहे हैं, और शायद मुंबई हीरोज के फैंस कह रहे होंगे अरे ये 2 ओवर पहले हो जाता तो फिर। और एक और करारा शॉट, फील्डर कोई मौका नहीं उनके पास, क्या एक और बड़ा शॉट नजर आएगा सिद्धांत मूले के बल्ले से, जी हाँ डाउन द ग्राउंड, तीर की तरह सीधा, कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एक दूसरे से टकरा गए लगभग, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया उस गेंद के पास। अच्छी गेंदबाजी, दक्ष राउंड द विकेट आए, एंगल क्रिएट किया था इस गेंद पे, लेकिन मिस फील्ड के चलते चार मिल जाएंगे। शॉट इंतजार किया और उसके बाद डिस्पैच किया, गोइंग गोइंग गॉन, व्हाट अ शॉट दिस बाय सिद्धांत, पर यहां पे बड़ा शॉट है, 6 के लिए प्रहार है, एक परफेक्ट फिनिश मुंबई हीरोज को मिलती हुई अपनी इनिंग्स की, 124/5 बनाए उन्होंने अपने 10 ओवर्स में। काफी कुछ निर्भर इन दोनों के ऊपर, गैप ढूंढा, सिर्फ टाइमिंग
के कारण वहां पर बाउंड्री। अच्छी शुरुआत ये, और अब डाउन द विकेट आए भाग्यशाली, करीबी मामला था लेकिन कट के वजह से एक और बाउंड्री, बैक टू बैक फोर्स। It'll be interesting to see how they use their bowlers, Mumbai. What a shot! Wonderful! Hooked away in style. Mayur is taking Saqib Saleem on. Sarthak, achhi baat ye ki keval 9 gende liye hain wo 23 run ke deficit ko pura karne mein. Aur yahan pe 4 milenge. Yani aapne apne aap ko 8.5 over de diye hain. Ki aap yahan se 125 के आसपास स्कोरबोर्ड पर डाल लीजिए। गति में परिवर्तन लेकिन समझदारी यहां अनुज की, बस गैप में पहुंचाया उस शॉट को। पंजाब दे शेर को सपोर्ट करेंगे, यहां पे 4 मिलेंगे, यहां 4 मिलेंगे। जस्सी की चतुराई भरी बल्लेबाजी, और अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू गो टू अपूर्व एन राजा, और ये उठा दिया है एक और मौका और ड्रॉप कर दिया और 4 रन। वन ऑफ द बेस्ट कैचर्स जो है मुंबई हीरोज के निशांत दहिया, उन्होंने इस कैच को ड्रॉप किया माफी मांगते हुए, लेकिन अपूर्व लाखिया को चौथा विकेट मिल सकता था। पंजाब दे शेर के डगआउट के ठीक सामने हैं, तो जरूर कुछ शब्द उनके कान में वहां से भी बरस रहे होंगे। डिस्टेंस अच्छा कवर किया था, ना सिर्फ इस कैच को छोड़ा, फिर से स्टेप आउट किया, इस बार गैप में खेला हुआ ये शॉट बबल का, ये देखिए कन्वर्ट किया इनको हाफ वॉली में स्टेप आउट होके, और गैप में बहुत ही अच्छा शॉट। कुछ भी खोने के लिए नहीं है यहां पर, और ये अच्छा शॉट दक्ष का, गैप में खेला गया शॉट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये देखिए एक बार फिर लेंथ गेन और विप कर दिया मिड विकेट की तरफ, अब स्क्वायर लेग को ढकेल दिया है नीचे। एक और बेहतरीन शॉट गैप में भेजते हुए फील्ड को दक्ष की ओर से, जी हां लेट फ्लरिश, बहुत ही अच्छा पावर हिट था ये, गेव इट इज ऑल, लुक एट दैट गुड बैट स्पीड। और अब शरद केलकर को मार दिया है छक्का, स्कोर्स बराबर एस सिक्स के साथ, पंजाब दे शेर पहुंच गए 23 बिना नुकसान पे। 189 वा छक्का ये लगाए इस टूर्नामेंट के एडिशन में, क्या घरारा प्रहार ये मयूर के द्वारा, फ्रंट फुट पे निकल के खेला ये शॉट, शॉट अच्छा है, और मिसफील्ड के चलते यहां पे रन मिलेंगे, 4 रन और जोड़ दीजिए स्कोर के अंदर। एक और सिनेरियो की आप बात कर रहे थे, और दूसरा सिनेरियो ये कि ये हो सकता है कि दो टीम्स 6 पॉइंट पर हो और 4 टीम्स 4 पॉइंट पे दिखें आपको, कल के मुकाबले जब तक समाप्त होंगे शाम में, तो बहुत डायनामिक वो पॉइंट टेबल है, तो यहां पर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी भी, बिल्कुल मैच में तेज था वैसे मैं, यहां पर भी नसीब के रन मिल जाएंगे। मुंबई हीरोज जल्दी से जल्दी इस टारगेट को चेस करना चाहते हैं, पैड लाइन यानी बैड लाइन, और फायदा उठाया उसका सिद्धांत ने, दूसरा चौका उनका इस इनिंग्स में, फाइनल जब ऊपर होना तो ये तो आप जहां गिफ्ट दे रहे हैं बैटर को, खुशी तो चल रही है, थोड़े से निराश। एक और अच्छा शॉट, एक और बार गैप में खेला गया ये शॉट, चौका। निशांत दहिया आज पूरी तरह से ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाते हुए मुंबई हीरोज के लिए, 21 रन आ चुके हैं इस ओवर से, और ये मैच डिफाइनिंग ओवर हो गया जब 75 रन आपको बनाने हो केवल, और 21 रन का दूसरा ही ओवर आ जाए पारी में, और अभी भी एक गेंद बाकी है भाई, थर्ड टाइम लकी। एक और अच्छा शॉट, एक और चौका निशांत के बल्ले से, 25 रन का ये महंगा ओवर, दो ओवर के बाद 34 बिना किसी नुकसान के मुंबई, और उसके बाद याद रखिए नॉकआउट मुकाबले भी तिरुवनंतपुरम में अगले वीकेंड पर, यहां पे 4 रन और आ जाएंगे,
पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज मुंबई हीरोज के। निशांत और सिद्धांत हड़बड़ी में लग रहे हैं, बिल्कुल जल्द से जल्द उन्हें इस स्कोर को चेस करना है। समीकरण इक्वेशन बिल्कुल साफ है उनके दिमाग में और इसी वजह से मुंबई हीरोज ने दो ऐसे बल्लेबाजों को भेजा था जो अच्छे टच में पहले इनिंग में भी दिखे थे, उस मोमेंटम को जारी रखते हुए। कुछ नए फोटोग्राफ्स टांगी जरूर गई हैं पर लुक एंड फील बहुत जबरदस्त है, जैसे कि इस शॉट के अंदर भी। थीरामन खूबसूरत, और देखिए इसकी वजह यह कि बॉटम हैंड का जिस तरह से इस्तेमाल करके वो कलाइयों को जो राइट हैंड रिस्ट है ना उसको डोमिनेंट बनाया। सिद्धांत मात्र 9 बॉल्स में 22 रन पर खेल रहे हैं। खूबसूरत शॉट एक बार फिर से चीरते हुए फील्ड को, 4 रन और मिल जाएंगे, 50 के नजदीक पहुंच चुके अब मुंबई हीरोज और बिल्कुल हड़बड़ी में लग रहे हैं यहां। डाउन लेग, 4 रन और मिलेंगे यानी 50 का आंकड़ा पार मुंबई हीरोज का, 52 बिना नुकसान 3 ओवर के बाद, पावर प्ले समाप्त। और यहां क्या हुआ, कैच का मौका था, 4 रन भी हैं और फ्री हिट बॉल भी आएगी। ये लीजिए अंपायर ने संकेत भी कर दिया उस बात का, केवल 18 रन चाहिए यहां से। अब हाई फुल टॉस, कमर की ऊंचाई के ऊपर कॉल किया अंपायर ने, पर मुझे लगता है कि क्रीज के आगे निकले थे, पर चलिए फ्री हिट बॉल पे करारा प्रहार, मिलेंगे 4। कमाल होता हुआ, 14 रन चाहिए मात्र अब 40 गेंदों में, उसे एक के ऊपर भी ले जा सकते हैं। क्या खूबसूरत बैटिंग चल रही है यहां पर निशांत और सिद्धांत की ओर से, टाइमिंग सटीक। तो आप अंपायर को बोल सकते हैं और कंटिन्यू कर सकता है गेंदबाज। ओ फिर हाथ से फिसली है गेंद, इस बार फिर 4 रन मिलेंगे, नो बॉल फिर कॉल हुई है, पर यहां पे सवाल ये कि बैट्समैन ने फिर कंप्लेन नहीं किया है। मुझे आप ये बताएं रमन, अगर इस तरह से मुफ्त में गिफ्ट मिले तो कोई कंप्लेन क्यों करेगा। 2 बॉल्स हुए हैं अभी तक, 16 रन आ चुके हैं और 20 बॉल्स में 68 रन आ चुके हैं यहां पर। यहां पर ये देखिए तीसरी हाई फुल टॉस उठा दिया है इस बार निशांत ने और पूरे 6 रन मिल जाएंगे उन्हें। कमाल का ये शॉट और अब टारगेट जो है वो 50 से कम, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 6 से कम। रमन शॉट है जनाब, ये बेहतरीन टाइमिंग और उसके बाद गेंद के नीचे आए ताकि वो एलिवेशन ले पाए। लॉन्ग ऑन पे फील्डर था, टेक ऑन किया उस बाउंड्री राइडर को। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मनोज तिवारी का शुक्रिया अदा कौन करेगा, निंजा करेंगे या मुंबई हीरोज के बैट्समैन करेंगे। ये भी फ्री हिट और एक और छक्का यहां पर, अब सिर्फ एक रन चाहिए मुंबई हीरोज को। अरे इनकी कोई याद दिलाए कि एक रन और चाहिए। अभी स्कोर बराबर हो, जायंट स्क्रीन पे अब नजर गई है मुझे लगता है मुंबई हीरोज के खेमे के खिलाड़ियों की। ये देखिए स्कोर बराबर है, एक रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए।